थर्ड ये कि मैंने अम्मी को सरप्राइज़ रखा हुआ है, मैंने उनको नहीं बताया, मैंने उनको बोल दिया कि भाई आज मैं लेट होगी, तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रही, मैं कहा थोड़ा काम है। सो भाई फाइनली मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया है अम्मी, देखें क्या है आपके लिए। और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, बिल्कुल अम्मी ने वैसे ही रिएक्शन शो किया, मुझे पूरा पता था अम्मी ने ऐसे ही रिएक्शन शो करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई आज है संडे और शदीद गर्मी है, हाल ना पूछें गर्मी से क्या हो रहा है, और फिलहाल पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आवाज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो भाई आज का दिन कुछ इस तरह से आगाज़ हुआ है कि हमारी जो है वो कपड़े धोने वाली मासी जो है वो सिक लीव पे गई हुई है, उनकी ऑपरेशन हुआ है तो वो अभी नहीं आई मज़ीद 15-20 दिन के लिए। सो आज जो है वो मैं पूरा लॉन्ड्री कर रही थी और तकरीबन 4 घंटे लगा के मैंने कपड़े धोए, और स्किन अभी आपको लग रही होगी रेड, बहुत कोई बुरा हाल है। बस अभी ये कि नहा धो के फारिग हुई, फ्रेश हुई, कपड़े चेंज किए, खाना वाना खाया, देन मैंने कहा चले आप लोगों से कनेक्ट किया जाए। सो भाई इन अदर न्यूज़, आज कुछ स्पेशल डे भी है जैसा कि आप सबको भी पता ही होगा। सो भाई आज है मदर्स डे। सो भाई आज वैसे तो चले आज ग्लोबली लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, बट एवरी सिंगल डे इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर मदर। और हम सबको पता है कि ये माँ जैसी नेमत क्या है हम सब के लिए, ये शायद बड़े बूढ़े कहते हैं जब पता चलता है जब नहीं होती है माँ, और मेरे ख्याल से ये हकीकत है क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत सारी नेमतों को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हमें जब एहसास होता है जब वो हमारे हाथ से निकल जाती है। सो भाई आप जिन जिनकी माएँ सलामत हैं, जिंदा हैं, उनका ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें और कोशिश करें कि उनको खुश रखें जितना हो सके उनके लिए करें। अच्छा मेरा जो है ना वो कुछ एक मैंने छोटा सा प्लान किया हुआ है अम्मी के लिए, अम्मी को एक सरप्राइज़ देना है। और आज जैसे मैं बेसिकली हमारे घर में आ रहे हैं कुछ गेस्ट, और जाहिर सी बात है कि अगर अभी गेस्ट में आना है तो हम लोग जा नहीं सकते, और अकेले मैं जा नहीं रही हूँ। सो अब आज जो है मुझे मुश्किल लग रहा है कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा भाई आज के दिन अम्मी को गिफ्ट देना है, और मैंने काफ़ी अर्से सोचा हुआ उनके लिए गिफ्ट का, तो जो गिफ्ट मैंने उनको देना है ना मैंने वही उनके लिए लेकर आना है। सो वो गिफ्ट मैं अकेले नहीं लेकर आऊँगी, वो मैं साथ सोच रही हूँ कि जवेरी को साथ लेकर जाऊँ, तो ज़रा दो लोग जाएंगे तो ज़रा ईजी रहेगा उसको चूज़ करना कि भाई कौन सा लिया जाए कौन सा ना लिया जाए। सो देखते हैं अभी क्या बनता है, क्या करते हैं, जवेरी से डिस्कस करती हूँ क्या कहती है वो। सो भाई गेस्ट वगैरह हमारे आ चुके हुए हैं और मैं उनके लिए लेकर आई स्पेशल समोसे, हमारे एरिया में मिलते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। तो हमारे घर में जो भी कोई गेस्ट आता है तो हम उनको ज़रूर ट्राई करते हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि सबको ही पसंद आते हैं और सब लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ के समोसे कहाँ के समोसे। सो भाई ये रहे गर्मा गर्म समोसे, ये आलू के समोसे हैं और ये इनकी स्पेशलिटी है, ये चिकन समोसे माई फेवरेट, एंड हेयर आर सम गर्मा गर्म जलेबियाँ। सो चलें फिर करते हैं सर्व। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो भाई कल के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई गेस्ट के जाते जाते रात हो ही जाएगी। सो एग्जैक्टली वही हुआ, उनके जाते जाते रात हो चुकी हुई थी, और फिर देन जवेरिया की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। सो हमारा प्लान जैसे कि मुझे पता था कि यही होगा और वही हुआ, हमारा प्लान पोस्टपोन हो गया। सो भाई अभी हो चुकी हूँ रेडी और ऑफिस के लिए निकलने लगे, तो मैंने कहा जाने से पहले आप लोगों से कनेक्ट कर लूँ, थोड़ा सा अपडेट दे दूँ आप लोगों को। तो ऑफिस के बाद फिर हम जाएँगे मॉल, वहाँ से कलेक्ट करेंगे गिफ्ट, देन फिर घर आएंगे और अम्मी का रिएक्शन देखेंगे और देखेंगे अम्मी को कैसा लगता है हमारा गिफ्ट जो हमने उनके लिए लेना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो भाई आज 3 डेज़ के बाद आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट कर लेते हैं, मंडे वाले मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, कोई व्लॉग नहीं बनाया। ट्यूज़डे को आई वॉज़ बिजी समवेयर तो वो नहीं हो सका काम। देन कल मैंने कहा थोड़ा सा सर्वे कर लिया जाए कि भाई लेना क्या है और क्या रेट चल रहे हैं, क्या प्राइस वगैरह है, कौन सा फ़ोन अच्छा होगा कौन सा नहीं अच्छा होगा। सो कल आई वॉज़ डूइंग अ लिटिल बिट सर्वे। सो आज अभी मैं ऑफिस से आई हूँ डायरेक्ट लकी वन मॉल, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कनेक्ट कर लिया जाए। सो अभी चलेंगे डायरेक्ट फ़ोन लेंगे, और थर्ड ये कि मैंने अम्मी को सरप्राइज़ रखा हुआ है, मैंने उनको नहीं बताया, मैंने उनको बोल दिया कि भाई आज मैं लेट होंगी, तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रही, मेरे को थोड़ा काम है आ जाऊँगी। तो बस अभी जो है फटाफट लेते हैं और घर निकलेंगे क्योंकि रात होने से पहले पहले घर पहुंचना है। सो भाई काफ़ी सर्वे के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अम्मी के लिए लूँगी सैमसंग का फ़ोन, सही है, और सैमसंग का स्टोर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा वो सामने, सही है। सो बस वहाँ चलते हैं और फटाफट से लेते हैं फ़ोन। सो भाई फाइनली मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया है अम्मी का गिफ्ट। सो गाइस फाइनली बैक होम,
बस वहाँ से फटाफट निकली और एज़ पर प्लान मैं मगरिब से पहले घर आ गई हूँ और हार्डली 5 या 7 मिनट रह गए मगरिब की नमाज़ होने में। सही है, तो बस अभी मैं ज़रा कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, पसीने पसीने हुई हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, देन आप उसे कनेक्ट करती हूँ। सही है। सो भाई आज खाने में क्या पका है? आज बनी है काली दाल और साग बन रहे हैं चावल, क्योंकि दाल के साथ तो चावल का ही कॉम्बो अच्छा लगता है। और इसमें बनी है भिंडी जो कि दम पे रखी गई है, इसको खोलेंगे नहीं इसको। सो भाई मैं जो हूँ ना बेसिकली ऑफिस में लंच बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो जब मैं घर आती हूँ तो बस मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है और मैं कहती हूँ बस फटाफट खाना खाएँ। सो घर आके मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के तो डायरेक्टली काम होता है किचन का ही, और बस किचन में आके खाने की तैयारी करनी होती है। सो बस अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बस फटाफट खाना बने, खाना खाएँ, दैन फिर उसी देर मैं सोचूँ जब तक मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगा दी, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी डेड होने वाली है, फिर आप उसे कनेक्ट भी तो करना है ना। वो एक है ना सरप्राइज़, इसमें है अम्मी का गिफ्ट जो कि हम लेकर आए हैं आज, और ये अम्मी का फ़ोन है जो कि अभी अम्मी को मैं दूँगी और देखते हैं वो क्या कहती हैं। तो बाबा तो मैंने जब अम्मी को ये गिफ्ट देना है ना, तो उन्होंने मुझे कहना है मेरे लिए क्यों ले लिया बेटा, मुझे तुम्हें अपने लिए लेना चाहिए था, तुम तो ब्लॉगिंग करती हो, तुम्हें वीडियो बनानी होती है, ये वो देखिए अम्मी सीधा की बातें करेंगी। हालांकि मेरा भी फ़ोन लेने का प्लान है, बट राइट नाउ मेरा भी काम चल रहा है, सो मैं जो ना अभी अपना फ़ोन नहीं लूँगी। तो लेकिन अम्मी का फ़ोन जो ना काफ़ी टाइम से उनका जो है वो वॉल्यूम उसका कम हो गया है, तो अम्मी को कॉल्स का पता ही चलता है, अक्सर उनकी कॉल्स मिस हो जाती हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हम कॉल करें आप कहाँ हैं आप कहाँ हैं। सो अम्मी को बहुत ज़्यादा इशू होता है, फिर वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं तो कहती है मुझे आवाज़ नहीं आती है, मज़ा नहीं आता, समझ नहीं आ रहा होता, इतना स्लो बोल रही होती। हालांकि मैं बोलती हूँ अम्मी मैं सही बोल रही थी, आपका वॉल्यूम कम हो गया तो आपको मज़ा नहीं आता है, सो आप मतलब आराम से देखेंगी, इंजॉय करेंगी और कॉल्स वगैरह भी इंशाल्लाह तआला मिस नहीं करेंगी। सो भाई अम्मी आ गई हैं, अम्मी का ड्रामा ख़त्म हुआ और अम्मी ने लगा लिया न्यूज़ चैनल। अम्मी तो हमारी जब से क्या बोलूँ, अम्मी तो बहुत बड़ी फ़ैन है हमारे खान साहब की, तो बस अम्मी को इतना शौक हो गया ना न्यूज़ सुनने का, हर वक्त अम्मी न्यूज़ सुनती रहती। इतने दिन हो गए आप आए नहीं व्लॉग में, कैसे हैं आप लोग सब? इतने दिन से व्लॉग भी तो नहीं बनाया। ओ भाई अम्मी का बहुत सारा प्यार, खुश रहे आप लोग। और अम्मी बेचारी सारा दिन बोर हो रही होती हैं, अकेली घर में होती हैं, बस मैं घर आती हूँ अम्मी कहती है एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, बेचारी इतना निढाल हो रही होती है, और कल तो अम्मी की शुगर भी इतनी लो थी। सो मैंने कहा अम्मी आप ज़रा आराम से रहा करें, बिल्कुल पंखे नीचे बैठ जा करें, ज़्यादा काम ना किया करें, लेकिन कहती हैं भाई इतने काम होते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, सो बस इन्हीं सारे कामों में दिन निकल जाता है। सो बस घर आती हूँ मैं तो अम्मी जो है वो बिल्कुल निढाल बैठी होती है, थकी हुई होती है, तो बस तो बस अम्मी यही कहती हैं घर के काम नहीं ख़त्म होते। हाँ और क्या, इंशाल्लाह। अच्छा आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आपको भी ट्रीट देनी पड़ेगी कल। अच्छा क्या सरप्राइज है? गेस तो करें क्या सरप्राइज हो सकता है, एक गुड न्यूज़ है। ऑफिस की है। अब गेस आपने ही करना है, अब मैं क्या बताऊँ, बता थोड़ी सकती हूँ। ऑफिस में ही कोई उन्होंने आपको ज्यादा कोई दे दिया होगा कोई दूसरा काम, उन्होंने कहा होगा 1,00,000 रुपए का चेक रख ले आप। अरे नहीं अम्मी डेजिग्नेशन, ये ऑफिस पे कोई खुशखबरियाँ थोड़ी मिलती है। अच्छा। खुशखबरियाँ ऑफिस वाले कभी दे ही ना दे। भाई रिलेटेड टू यू है, आपसे रिलेटेड है, बस सिर्फ आप सोचें आप आपके लिए क्या हो सकता है, गैस आपके लिए क्या हो सकता है, बस अम्मी अब नहीं कर पा रही है गैस, क्या करें गाइस, बता देते अम्मी को। सही है, ठीक है अम्मी, फिर आप अपनी आईज ज़रा क्लोज करें ना 2 मिनट के लिए, फिर आपको बताते हैं। अच्छा इतना बड़ा सर। हाँ सही है, खोल लें आँखें, देखें क्या है, ठीक है आपके लिए। अल्लाह जबरदस्त, क्या जी कैसा लगा? भाई अपने लिए लेना था ना पहले। देखा कैसा? नहीं बहुत अच्छा, लेकिन अपने लिए ले। अरे भाई गाइस देखा आपने? नहीं भाई। चलो खुश रहो, तो अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे और बहुत सारी कामयाबी दे, तरक्की दे, आमीन, अल्लाह ताला खुश रखे, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। लेकिन बेटा पहले अपने लिए लेना था, मैं तो घर में ही हूँ मेरा। अरे तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, मेरे व्लॉग कौन देखेगा? व्लॉग तो मैं जाहिर देखती हूँ, लेकिन जरूरत तो आपको भी है ना। और क्या गाइस, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, मैंने जो वर्ड्स आप लोगों को बोले एग्जैक्टली अम्मी ने वही वर्ड्स बोले। सही है, अम्मी ने मुझे यही कहा था कि तुमने अपने लिए क्यों नहीं लिया, सो बस मैंने कहा नहीं पहले अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी का ज़्यादा बार इतना प्रॉब्लम हो रहा होता है, अम्मी का फ़ोन बहुत उनको तंग कर रहा है। चले अम्मी अब आप फ़ोन खोलें।
चले अम्मी ओपनिंग सेरेमनी करें, मोबाइल चेक कराएं सबको आपका कैसा है। हाँ ये पूरा इसका सील उतार दें। हाँ हाँ सही हो गया, पाड़ दें बस। सही है, अब देखें क्या, देख के खोलें खोलें। हाँ खोलें, देख के काटिए। चले भाई खुल गया अम्मी का फोन, माशाल्लाह माशाल्लाह, आराम से आराम से। सो मैंने कहा आपके लिए अब ब्लैक कलर सही है ना अम्मी। आपके पास पहले ब्लू था, उससे पहले गोल्डन था, उससे पहले वाइट था, और नाउ ब्लैक। हाँ ये सारा होता रह जाएगा ना। दिखाएं करीब से, दिखाएं कैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे आपको। अब आप पहली बॉल मुझे करीब, सही है। सही है भाई, अब इसका सारा सेटअप कौन करेगा, वो भी मैं ही करूँगी। हमेशा से मुझे ही करना पड़ता है। अब आपकी सारी इसमें नई एप्स डाउनलोड करनी पड़ेगी, और बस अब आप कल इसको ना इफ्तिताह कर लीजिएगा, कल जुम्मा है ना। कल इंशाल्लाह ज़्यादा, हाँ कल मैं ऑफिस से आऊँगी ना, तो फिर मैं आपको इसमें सिम डालूँगी ना, फिर आप करिएगा कॉल, इसके इफ्तिताह करिएगा आप कल फ्राइडे वाले दिन मुबारक दिन में। सही है ना, पसंद आया अम्मी आपको गिफ्ट। लेकिन अभी मैं नहीं अम्मी, ऐसी बातें नहीं करते, मैं भी ले लूँगी अभी। आप सब ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं आपका फ़ोन यूज़ कर लिया करूँगी कभी कभी, ठीक है। सो बस ये था सरप्राइज़, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, बिल्कुल अम्मी ने वैसे ही रिएक्शन शो किया, मुझे पूरा पता था। और बस ये था एक सरप्राइज़, और मैं काफ़ी दिन से सोची थी, हालांकि सोचे मैं इतवार से लगी हुई थी अम्मी, और ये दिन आ गया, और बीच में इतने दो तीन दिन देखे कैसे ज़ाया हो गए, कुछ हो ही सका, जाने आने का मसला एक लगा रहा कोई ना कोई काम। सो बस मैंने कहा आज, कल देखा था, और बस फिर मैंने आज सोचा कि कौन सा लूँ, फिर मैंने कहा आज बस यही डिसाइड कर लिया मैंने कि बस यही लेना है आज। सो बस शाम में फारिग होके सीधा गई मॉल, आपके लिए ये फ़ोन लिया, देन बस फिर घर आ गई और बस दे दिया फाइनली। सो बस ये था एक छोटा सा सरप्राइज़ आपके लिए, बस आप लोग भी सब गाइस किया करें, आप लोगों की वजह से तो सब होगा इंशाल्लाह। आप लोग करेंगे, देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह सब होगा इंशाल्लाह, सब सही गाइस। सो बस ये था, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग अपना छोटा सा सरप्राइज़, और उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का तो नहीं है मेरा ख्याल, सबसे मुझे लगता है कि मेरा अब तक का बहुत ही लेंथी ब्लॉग है, जो चार दिन से बन रहा है, अब जब भी ख़त्म हुआ है, और साथ ही इस ब्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, सही है गाइस। सो मिलते हैं आपसे दोबारा से एक नई वीडियो में, और जाने से पहले एक चीज़ और भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसको अनसब थोड़ी करना है, चैनल को सब्सक्राइब रखें और फिर वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह, और आप अपने वीडियोस देखती हैं, सही है। सो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ अनसब ना करें, सही है। सो दोबारा से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।